दिल्ली कैपिटल्स की ये बहुत बुरी हार थी और इन्हें ये हार चुभेगी आगे जाके। अगर 4-5 मैचेस एक साथ जीत गए और पीछे मुड़ के ये वाला मैच देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स सोचेगी काश हम रन रेट के बारे में सोचते। इरफान पठान ने दिल्ली कैपिटल्स समेत ऋषभ पंत को भी हार का जिम्मेदार बताया है। जिस तरीके से हैदराबाद के बल्लेबाज दिल्ली के बॉलर्स को पानी पिला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली वाले बस अपनी ठुकाई के लिए आए हैं। दोस्तों, इरफान पठान ने भी दिल्ली की गेंदबाजी को खराब बताया और ऋषभ पंत की स्लो बल्लेबाजी के चलते दिल्ली 266 रन चेज नहीं कर पाई और 67 से हार गई। आप खुद सुनिए इरफान ने क्या कहा। बड़ा था, जरूर पहले आपको तेज भागना था, लेकिन जब एक साथ विकेट गिर गई तो फिर आपको थोड़ा संभल के रन रेट के लिहाज से खेलना पड़ा। गलती जरूर की ऋषभ पंत ने, जब DRS था वो रिव्यू जो नहीं लिया था अंपायरिंग बहुत बड़ी खराब हुई थी वहाँ पे, लेकिन दो बार रिव्यू मिस कर गया ऋषभ पंत, स्पेशली जब सुनील नारायण का जो रिव्यू कॉट बिहाइंड था वो नहीं लिया, वो बड़ा हर्ट किया खास करके गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स को।